फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर ए सिक्स का साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन है मुँह, केंद्रक, कुटपाद, खाद्यरिक्तिका। तो अमीबा अपने कुटपाद अंग से अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा किस अंग में भोजन पचाता है, तो हो जाएगा खाद्यरिक्तिका। फिलहाल हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? ठीक, ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। तो देखिए, इसका ऑप्शन लाइपेज भी हो सकता है, लाइपेज भी हो सकता है, पर लाइपेज है नहीं तो ये पित्त से ही निकलती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, पित्त। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है, जो खुद से भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है अमरबेल, कवक, अमीबा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा डी, आम, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा आम, ये खुद से, क्योंकि पौधा है तो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। नंबर फोर है, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? आप हृदय या हार्ट के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें चार हार्ट होते हैं, कोष्ठ को इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं, तो चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। चारों चैम्बर का आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें बताएगा कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ठीक, ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, डी है प्लेटलेट्स। तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है वायुकोपिका, ब्रिक, ब्रिकाणु, कोशिका, गुच। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिकाणु। ब्रिकाणु दो प्रकार का होता है, पहला एक गुच होता है और दूसरा ब्रिक होता है, ठीक। किडनी को कहते हैं, किडनी इसका इंग्लिश होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, पुनर्शोषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अपोहन, ठीक है, डायलिसिस इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा एट, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, उत्सर्जन, ठीक है। शरीर में जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस है, क्वेश्चन नंबर हमारा दस है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? ठीक है, जो प्रकाश पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, सही, जल, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 11, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है, पहला है स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। तो हो जाएगा प्राणी संभोजी, जीव जंतु भी जो आते हैं वो भी प्राणी संभोजी पोषण में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायुकोपिका, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया, पहले ये जाता है, पाइरुवेट जाता है पहले, आपको यहाँ हम बता रहे हैं।
पाइरुवेट 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 पहले जाता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से होकर के जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ जाने के बाद तब ये टूटता है CO2H2O ATP बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए सही हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। बाकी देख सकते हैं फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा हमारा जल और खनिज लवण का संवहन होता है। आप इसको याद रख सकते हैं, जस हो गया जल और जस हो गया जाइलम, यानी कि जाइलम से जल और खनिज जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड ले जाता है। तो फर्स्ट फ्लोएम फर्स्ट फूड, इसको याद इस प्रकार रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, दिए गए किस जैव प्रक्रम से ऊर्जा मिलती है? किस जैव प्रक्रम से ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही, श्वसन। बाकी ऑप्शन है पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, तो सबसे नहीं श्वसन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? किस अंग में, आपको अभी पीछे हम बताए थे। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन मुंह है, केंद्रक है, कूटपाद है, खाद्य रिक्त का, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेलेस्मा, पेप्सिन और पित्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, पेप्सिन। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही, संवहन। ठीक, एक और भी है, रक्त भी है। ठीक है, रक्त भी संवहन करता है, मतलब कि एक भोजन को अन्य दूसरे शरीर, मतलब हर एक पार्ट में वो ले जाता है, तो लेकिन ऑप्शन वो नहीं है, इसलिए हम संवहन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? जो हमारा पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो जल की तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, क्लोरोप्लास्ट तो जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ऑप्शन देख रहे हैं, स्वपोषी पोषण ये तो नहीं होता है, मृतजीवी ये भी नहीं होता, परजीवी पोषण, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्राणी संभोजी पोषण, अभी बताए थे उधर पीछे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? जो वसा का पाचन होता है तो कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? देख सकते हैं ऑप्शन टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, लाइपेज सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर है हमारा कोशिका द्रव्य, बी है फेफड़ा, वायु कोशिका और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही, कोशिका द्रव्य। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? अभी हम पीछे बताए थे पिछला क्वेश्चन में, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही, फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो धमनी। ठीक है, और शिरा से क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसमें कौन सा रक्त को ले जाया जाता है? ठीक है, शिरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? अगर हमारे शरीर का पार्ट, अगर कोई अंग कट जाती है तो ब्लड निकलता है, तो उसको जो रुक जाता है, थक्का बन जाता है, आप देखते हैं ब्लड जम जाता है, तो उसके में कौन मदद करती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं RBC, WBC, लसिका, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही, प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, जहाँ पर कट जाते हैं वहाँ पर ये गोल गोल आकृति क्या करके जमा हो जाते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड
नहीं बहता है, बाहर नहीं निकलता है, वो अपने जाता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में वो फ्लो होते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्पन के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। वायवीय मतलब होती है कि जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो भी काम हो उसको वायवीय। ठीक है, तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो आप जान रहे जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। फिर से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका ऑप्शन आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए है सलेस्मा, पेप्सिन, पीत, जठर रस। ठीक है, तो जठर रस से होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। निम्न में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, तो आपको बता दें कि जो घास खाते हैं उनका सबसे लंबा क्षुद्रांत होता है। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन गाय। मनुष्य नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा गाय। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 20 सही, 120/80। ठीक है, और बाकी सभी ऑप्शन ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया, फिर अपोहन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, नेफ्रॉन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 32। पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है। अभी पीछे हम क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, तो किस भाग में आता है। अभी बताए थे ना कि हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग अपना नाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया निलय है, बाया अलिंद और दाया निलय। ठीक है, अगर इस प्रकार का हार्ट है, ठीक है, हार्ट कुछ मुट्ठी शेप का होता है, ठीक ना, इसमें चार चैम्बर होते हैं, ऐसे चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा, इसमें रक्त जो आता है अशुद्ध होकर के। आपको पता है कि शुद्ध रक्त किस वेन में जाता है, तो वो जाता है धमनी में, महाधमनी में शुद्ध रक्त फ्लो होता है। ठीक है, अब अशुद्ध खून जो आता है वो शिरा में आता है। ठीक है, शिरा में, तो अशुद्ध खून आता है हमारा इसमें। तो बताया हमारा ये हो गया हमारा बायां अलिंद, ठीक है, ये हमारा है बायां अलिंद और ये हमारा दायां अलिंद। दाहिने हाथ तरफ को हो गया दायां अलिंद और बाएं हाथ की तरफ हो गया बायां अलिंद। तो अशुद्ध खून किस में आता है, बायां अलिंद। बायां अलिंद के इसमें आने के बाद फिर आता है नीचे। ठीक है, तो नीचे वाला कौन सा भाग है, इसको आप नीचे वाला को याद रख सकते हैं, नीचे है, तो इसको आप निलय से याद रख सकते हैं, निलय। ठीक है, नी से निलय हो गया, नी से नीचे हो गया, तो नीचे वाला ये दोनों चैम्बर को कहेंगे निलय। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा दायां निलय और ये हो जाएगा हमारा बायां निलय, और ये हमारा है बायां अलिंद और ये हमारा दायां अलिंद। तो बताइए किस भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बायां अलिंद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बायां अलिंद सी। ठीक है, चलिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मदद मिलती है या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। शायद इसका क्वेश्चन पीछे शायद हो गया था, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, हीमोग्लोबिन। बाकी देख सकते हैं क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे 34। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है। आप बता सकते हैं कि पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में होता है। यहाँ से मेरी ये क्वेश्चन है कि जब लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है, ये एंजाइम हमारा पाया जाता है, तो जब अमाशय में पहुँचता है तो क्या इसका कार्य रहता है या ख़त्म हो जाता है, ये हमें ज़रूर बताएगा। ठीक है,
तो ये था आपके लिए आज का इतना क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।